Good morning, kids. Kids, today we are going to discuss, take the correct option of chapter number 4, starting the computer. Let's continue. Kids, we have already did question number 1 to 15 in our previous class. Today we continue from the number 16, okay? 16th is, computer is a dash device. Computer kaun si device hai? And your options are, careful, electronic, desktop or none of these. Careful है, electronic यानि कि light से चलती है और chargeable battery से चलती है. Desktop यानि कि आपकी desktop device है या none of these. इसमें से कोई भी option आपका सही नहीं है. So option B is correct. Computer is an electronic device. ठीक है, computer कौन सी device है? Electronic यानि कि वो लाइट से चलती है, उसको हम लाइट के थ्रू चलाते हैं या चार्जेबल बैटरी के थ्रू. ओके, 17th इज, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क यू नीड टू डैश योर कंप्यूटर. जब भी आप अपना काम कंप्लीट कर लें तो आपको अपने कंप्यूटर को क्या करना चाहिए? एंड योर ऑप्शंस आर स्विच ऑफ, स्टार्ट, केयरलेस या नन ऑफ दीज. हमें अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, स्टार्ट दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, केयरलेस कुछ नहीं करना चाहिए या नन ऑफ दीज. इसमें से आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्विच ऑफ. आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क यू नीड टू स्विच ऑफ योर कंप्यूटर. जब भी आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर को बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए. ओके, 18th इज, वी शुड बी डैश वाइल स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर. आपको जब भी आप अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो आपको कैसा बिहेव करना चाहिए? एंड योर ऑप्शंस आर डस्ट, केयरफुल, हार्मफुल या केयरलेस. डस्ट यानी कि धूल, केयरफुल यानी कि हमें केयरफुल होना चाहिए, हार्मफुल हमें हानिकारक होना चाहिए, केयरलेस हमें केयरलेस बिहेवियर करना चाहिए. सो वी शुड बी केयरफुल वाइल स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर. जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो आपको बंद करते हैं तो आपको केयरफुल होना चाहिए. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. 19th इज, वेरियस पार्ट्स ऑफ डैश कनेक्टेड टू द CPU. इसकी कौन किस चीज़ के बहुत सारे पार्ट्स CPU से कनेक्टेड होते हैं? एंड योर ऑप्शन आर डेस्कटॉप, मॉनिटर, कंप्यूटर और CPU. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द CPU. जो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं वो आपके CPU से कनेक्टेड होते हैं. ओके, 20th इज, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर. आपको इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है. क्या है स्टूडेंट ये? एंड योर ऑप्शंस आर बटन्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर या इलेक्ट्रिक बोर्ड. आपको क्या शो हो रहा है? ये बटन्स नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है क्योंकि हम उसको देख थोड़ी सकते हैं, ठीक है, पावर भी नहीं है. सो लास्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक बोर्ड. क्या है आपका ये? इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसमें आप स्विचेस लगाते हैं ना. जब भी कुछ चीज़ किसी चीज़ को ऑन करना होता है, आप कंप्यूटर को ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या करना होता है? यू हैव टू जस्ट प्लग इन योर स्विच इन द इलेक्ट्रिक बोर्ड. आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच लगाना होता है. ओके, सो टुडे योर होमवर्क इज, यू हैव टू डू दीस, टेक द करेक्ट ऑप्शन इन योर नोटबुक नीटली. सो वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपका कल एक टेस्ट आएगा, उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से लर्न करना है. चैप्टर नंबर 2 आपका कौन सा है? मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. उसके लिए आपको कल आपका एक रिविजन टेस्ट होगा थ्रू योर गूगल फॉर्म. गूगल फॉर्म से आपको टेस्ट आएगा, ठीक है, उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से लर्न करना है. वेदर इट इज़ अ फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जंबल वर्ड, जो भी आपको एक्सरसाइज वर्क उसमें कराया गया है, फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जंबल वर्ड, आप सभी वो चैप्टर में अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है. कल आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 2, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.